हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू अ वेरी वेरी एक्साइटिंग सेशन, जहां पे आज बहुत कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। निफ्टी 23,000 कब जाएगा, मैं आपको दिनों के साथ गिना के दिखाने वाला हूं कि अगर अगले 4 दिन में निफ्टी नहीं गया 23,000, तो आप समझ लेना कि निफ्टी अच्छा खासा नीचे आने वाला है। क्यों, क्या, इसका लॉजिक भी मैं दूंगा। तो ये पहली चीज हो गई, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। कल यूएस मार्केट बहुत गिरा था और डाउ जोन्स गिरा था, सभी लोग कह रहे थे कि आपने कैसे कह दिया कि मार्केट गैप अप होगा, आप गिफ्ट निफ्टी क्यों नहीं देखते हो, इतना गिर गया था, नहीं हो सकता। बट आप थोड़ा सा आज सुबह मार्केट ओपन करके देखना, मार्केट गैप डाउन नहीं हुआ था, अच्छा खासा एक पोजीशन पे ओपन हुआ था, जहाँ से जैसे कल बताया था वैसे नीचे गिरना चालू हो गया था। तो ऐसे ही अच्छा खासा एनालिसिस मैं आज भी करने वाला हूँ। बट उससे पहले आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना नहीं भूलना है, एंड एट द सेम टाइम आपको ये जानना है कि ये दो साइट्स हमारे ही है। अगर आपको लेवल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो नीचे जो लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे डाल दो आई एम इंटरेस्टेड इन लेवल्स, और टीजी लेवल्स आपके लिए है। अगर आपको हमसे टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं ये सीखना है, तो मेंटोर चा करके जो साइट है वो आपके लिए है, और आप क्लिक करोगे आई वॉन्ट लर्निंग। ये कहाँ पर है, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक्स दिए हैं, आइदर ऑफ वन आप सिलेक्ट करके हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। अब आज अगर आप देखोगे ना, हमने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान सेंसेक्स पे दिया और 60-30 अच्छा खासा यहाँ पे सेंसेक्स में मॉर्निंग में ये किया था। कुछ बैंक निफ्टी के भी ट्रेड्स थे, और हार्डली मैं कहूँगा मीन्स इसके जो एंड के ट्रेड्स है जो मैं हमने कहीं पे भी नहीं डाले थे, जस्ट एक या दो जन पे ये किए थे, तो वो हमने लिस्ट डाउन भी नहीं किए हैं क्योंकि कोई ग्रुप में इसके बारे में हमने डिस्कस भी नहीं किया था। तो ये आज का परफॉर्मेंस है जो कि अच्छा खासा माइंड ब्लॉगिंग मैं कहूँगा या माइंड ब्लोइंग मैं कहूँगा, उस तरीके से गए हैं। अब आप देखोगे तो हम क्या करने वाले हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो करेंगे ही, बट उसके साथ एक्सिस, टाटा एलेक्सी और एनटीपीसी का भी एनालिसिस फॉर स्टडी पर्पस करने वाले हैं। आपका कोई स्टॉक अगर अटक गया है, समझ में नहीं आ रहा इसके साथ क्या करूं, बहुत सिंपल है, कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो। ये लोगों ने भी ऐसे ही किया है, आर्यन पॉडकास्ट, बुबाई, आप भी डाल सकते हो कि आपका कौन सा स्टॉक है जो मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। एक या दो बार मिस हो सकता है, बट आप लगातार एक या दो दिन डालोगे तो डेफिनेटली हम आपके भी स्टॉक्स लेंगे जिसका एनालिसिस मैं करूँगा। अब देखते हैं टॉप न्यूज़ क्या है। बजाज फिनसर्व Q4 रिजल्ट्स फंटास्टिक, नेट प्रॉफिट राइजेस बाय 20%, ये बहुत बड़ी बात है, तो बजाज फिनसर्व के स्टॉक पर ध्यान देना। स्विगी का IPO आ रहा है जैसे जोमैटो का आया था, तो देखते हैं क्या नेक्स्ट जोमैटो स्विगी हो सकता है, यानी कि जैसे जोमैटो में एक अच्छी खासी मूव आई है, क्या स्विगी में आ सकती है, जब आएगा तब बात करेंगे। मारुति सुजुकी शेयर स्लिप्स 2% अहेड ऑफ Q4 अर्निंग, कुछ नहीं कर सकते, ये हमेशा एक छोटा सा डाउट रहता है कि रिजल्ट कैसे आने वाला है। वेदांता जंप्स 5% टू 52-week हाई एज Q4 returns बीट द एस्टिमेट्स, इसका मतलब क्या है, वेदांता पे आपको ध्यान देना है। अब हमारा कोई भी टेलीग्राम चैनल नहीं है, तो फ्रॉड से बचिए। एक ही कस्टमर सपोर्ट नंबर या व्हाट्सएप नंबर है जो कि 9152615121 है। अब आगे बढ़ते हैं देखने के लिए कि ये जो मार्केट है वो कैसे वर्क हो सकता है। अब मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ध्यान देना, निफ्टी का डेली चार्ट आपको ओपन करके दिखाया है, और ये चार्ट अगर देखोगे ना कुछ तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले क्या हो गया, मार्केट नीचे गया, फंटास्टिक, मार्केट ऊपर आया, पिछला वाला हाई तोड़ दिया, फंटास्टिक, मार्केट नीचे गया,
पिछला जो लो था उसे नहीं तोड़ा, वापस ऊपर आया, फैंटास्टिक। अब अगर अगर ये लॉजिक बहुत कम लोगों को पता है, अब अगर मंडे को मार्केट ये पॉइंट के ऊपर नहीं गया, ये पॉइंट के ऊपर, आप हैरान हो जाओगे। आप मंडे को देख लेना, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है ना तो कुछ रूल्स रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रूल्स रहते हैं। अगर ये मार्केट ने रूल्स नहीं फॉलो किए और 22,200 के नीचे आ गया, तो वापस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट 22,200 आएगा, मैं ये कह रहा हूँ इफ़ यानी कि अगर आ गया तो मार्केट जाएगा साइड ट्रेंड में, जो मुझे नहीं लगता है कि साइड ट्रेंड आने की, अब जबकि इलेक्शन नज़दीक है, तो साइड ट्रेंड आने की कुछ भी वजह है। इसका मतलब क्या है? ये जो साइड ट्रेंड होने के चांसेस है ना मार्केट के, जहाँ पे मार्केट रूल आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इसके चांसेस मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ 30% है, राइट? साइड ट्रेंड जाने के चांसेस मुझे लगता है, अब ये मेरा पर्सनल व्यू है, एंड हालांकि मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, मैं यहाँ पे कोई भी अपना रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं स्टडी पर्पस में आपको जस्ट एनालिसिस सिखा रहा हूँ और उसके पीछे लॉजिक भी दे रहा हूँ। तो 30% चांसेस है कि मार्केट साइड ट्रेंड में जाएगा। आप पूछोगे ये साइड ट्रेंड कैसे रहेगा, तो साइड ट्रेंड बहुत सिंपल रहेगा, ये जो हाइस और ये जो लो, ओके, इसके बीच में मार्केट घूमेगा और फिर आइदर यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट होगा या फिर यहाँ से ऐसे फेक आउट होगा और नीचे चला जाएगा। बट ये बहुत ही बोरिंग फेज होगा अगर मार्केट साइड ट्रेंड चला गया। और ये कब कंफर्मेशन मिलेगा कि ये बोरिंग फेज चालू हो गया है? अगर मार्केट गलती से भी डेली में 22,200 के नीचे चला गया तो। अब आगे बढ़ते हैं, इतना तो आपको समझ में आया रहेगा, मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है। मार्केट अगर 22,200 के नीचे गया तो मार्केट बहुत रुलाएगा और साइड ट्रेंड में चला जाएगा, यानी कि ना बुल्स जीतेंगे ना बेयर्स, हमारी अच्छी खासी इंट्राडे ट्रेडर्स की बैंड बजा सकता है। अभी तक नहीं गया है 22,200, और प्रॉपर डेली क्लोजिंग होना भी इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा, मेरा एनालिसिस या मेरा ऐसा मानना है कि अभी क्योंकि इलेक्शन है तो 70% चांसेस है कि मार्केट में अप ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा। इसका मतलब मंडे को मोस्ट प्रोबेबली मार्केट को कौन से लेवल के ऊपर जाना है, मैं ये भी बता देता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली आइदर मार्केट दो तरीके से ये करेगा, थोड़ा सा ध्यान देना, कैसे आपको इंडिकेशन मिलेगा। अब थोड़ा सा हम फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं, तो फाइन ट्यूनिंग के बारे में जानना ज़रूरी है। कैसे आपको पता चलेगा कि मार्केट बुलिश या अप ट्रेंड इंटैक्ट है? पहले तो मार्केट क्या करेगा, कितना भी गैप डाउन होने दो, झट से 22,370 के ऊपर चला जाएगा। ये याद रखना, कितना भी गैप डाउन हो मंडे को, झट से मार्केट 22,370 के ऊपर चला जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट इंडिकेशन कि डेली क्लोजिंग जो रहेगी मार्केट की वो ग्रीन में रहेगी। अब आइदर वो 22,500 हो सकता है या 22,480 हो सकता है, ये मुझे डेली चार्ट देख के नहीं पता चलेगा, बट मेरा इतना ही मानना है कि मंडे को मार्केट ग्रीन में क्लोज होगा और 22,500 से लेके 22,400 के आसपास क्लोज हो सकता है। फिर ट्यूसडे, वेनसडे और थर्सडे को आप देखोगे तो 23 के आ सकते
सकता है। ये पैटर्न जो है ना, ये टिपिकल पैटर्न है अच्छा खासा अप ट्रेंड का। तो ये पैटर्न का आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कहूँगा ये पैटर्न का आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो यही तरीके से ऊपर जाना है, और कोई भी तरीका फिलहाल मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, भले मार्केट के पास 10 तरीके रहेंगे, बट ये पैटर्न इतना अच्छा है कि ये बार बार होता है, तो 90% चांसेस है कि यही पैटर्न से मार्केट ऊपर जाएगा। यानी कि मंडे को ही आपको आइडिया आ जाएगा कि 23,000 थर्सडे तक आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं थोड़ा सा ये हूँ कि वेनेसडे या थर्सडे, बट एट द सेम टाइम अगर मंडे को ये फेल हो रहा है, रेड कैंडल बन रही है, ऐसी बन रही है, तो 23,000 के बारे में सोचना भी मत, कुछ नहीं होने वाला है। मार्केट बहुत ज़्यादा चांसेस है साइड ट्रेंड जाने के लिए। इसका मतलब क्या है, आप थोड़ा सा देखो और आप मुझे कमेंट करो। अगर 4 दिन है ना मार्केट में ट्रेडिंग के, तो पहला वाला दिन यानी कि मंडे का दिन हमको कंफ्यूजन रहेगा, बट मंडे अगर सही हमारे अंदाज से चला गया तो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ दिन यानी कि ट्यूसडे, वेनिसडे और थर्सडे हम अच्छा खासा मार्केट में कमा सकते हैं। इसके लिए इसका मतलब क्या है, तो मंडे को हमें इतनी ज़्यादा बड़ी ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार मार्केट से अगर बुलिश कंफर्मेशन मिल गया तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो ट्यूसडे, वेनिसडे, थर्सडे रहेगा ना, भले गैप आप थोड़ा सा ये होने दो, बट पोर्टफोलियो आपका कमाल का भागेगा। तो ये कंसेप्ट समझा नहीं समझा, मैं जब तक आप लोग यस 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 या नो 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 या स्टिल कंफ्यूज कंफ्यूज कंफ्यूज, और कम से कम अगर 2,000 कमेंट्स मुझे नहीं दिखेंगे, क्योंकि लगभग लगभग 12,000 से लेके 15,000 लोग हर दिन ये वीडियो देखते हैं, तो जब तक आप कंसेप्ट समझा नहीं समझा, यस नो नहीं करोगे, मैं आगे नहीं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। और लेवल्स तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा मंडे के लिए, जो कि मैं हर बार बताता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया है, तो लेवल्स बता के मैं इसको डाइल्यूट नहीं करना चाहता हूं। आप कमेंट करो, फिर अगर मुझे बहुत सारे कमेंट्स देखे तो मैं सेपरेटली लेवल्स पे डिस्कशन करूंगा। तो अब स्ट्रेट अवे हम बैंक निफ्टी भी नहीं डिस्कस करेंगे, हालांकि बैंक निफ्टी और निफ्टी मिड कैप है मंडे को, और आपको पता रहेगा कि निफ्टी का जो लास्ट टाइम का एनालिसिस था वो बहुत बढ़िया चला था। तो इस बार भी हम मंडे को ट्राई करेंगे कि अच्छा खासा एनालिसिस कर सके। अब एक्सिस में देखेंगे कि क्या पक रहा है, क्योंकि कोटक नीचे जा रहा है, बट एट द सेम टाइम एक्सिस बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आप एक देखोगे ना, एक्सिस उस हिसाब से अभी तक फिलहाल साइड ट्रेंड में है, बट ये साइड ट्रेंड मेरे हिसाब से टूटने वाला है, और एक्सिस लगभग लगभग 1250 के आसपास जा सकता है। तो यस, आप एक्सिस पे ध्यान रख सकते हो। 1000 का स्टॉप लॉस जो नहीं आने वाला है, और 1250 तक जा सकता है एक्सिस बैंक, डेफिनेटली ध्यान रखना, अच्छी मोमेंटम देने के चांसेस है। टाटा एलेक्सी कुछ गड़बड़ हो गई है, नीचे गैप डाउन हुआ है, बट क्या आपको पता है, हर एक जो अप मूव पावरफुल आती है ना, वो कब आती है, जब नीचे के डायरेक्शन में बेयर्स पूरा जोर लगाते हैं और थक जाते हैं, और फिर जब थक के सो जाते हैं और बुल्स आ जाता है, तो यही जो चीज़ है वो उनको लाइफ टाइम हाई पे लेके जाती है, या अच्छा खासा हाई पे लेके जाती है। तो टाटा एलेक्सी फिलहाल के लिए सही नहीं है, बट मैं कहूँगा टाटा एलेक्सी में फिलहाल बेरिश मत रहना, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर टाटा एलेक्सी मैं कहूँगा 7600 के ऊपर चला गया ना, तो अच्छा खासा वहाँ से आप मुँह आने के चांसेस है। एनटीपीसी भी मेरे हिसाब से सही ही है, क्योंकि बहुत सारे ग्रीन प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं, बट ट्रेडिंग करने के लिए दिक्कत देने वाला है, क्योंकि साइड मूवमेंट्स ज़्यादा है, बट ओवरऑल एक फंटास्टिक स्टॉक है।
तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट में किया है, बट अगर आपका रिस्पॉन्स और लाइक अच्छा रहा तो मैं आपके जो चहीते लेवल्स है, यहाँ से ऐसे होगा इंट्राडे में, यहाँ से ऊपर जाएगा, ये सब मैं तभी करूँगा अगर कल तक मुझे 2000 लाइक्स दिख गए तो, और 2000 कमेंट्स भी। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।